Brought to you by Independence. आज Independence Special खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। हवा बनी अब तूफान भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, भाजपा सरकार बनेगी। सर, जिस तरह से आपने 1 अक्टूबर की तारीख बढ़ाने की बात की है, चुनाव को लिखा है कि कांग्रेस ये कह रही है कि जो बीजेपी डर गई है चुनाव की हार से, झूठ बोलने का काम किया है और कांग्रेस की झूठ अब बिकेगी नहीं, काट की हांडी एक बार चढ़ती है वो चढ़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली जी हैं। बडोली जी, जिस तरह से आप जनसभा कर रहे हो और विधानसभा का जो 1 अक्टूबर का चुनाव, क्या लगता है कि बीजेपी तीसरी बार काम में देख रहे हैं? गोहाना का जो जनसैलाब और जो चुनाव की घोषणा के बाद हवा बनी है, अब तूफान भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। सर, जिस तरह से आपने 1 अक्टूबर की तारीख बढ़ाने की बात की है, चुनाव को लिखा है कि कांग्रेस ये कह रही है कि जो बीजेपी डर गई है चुनाव की हार से, ये जनता का जोश, जनता का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि आने वाले चुनाव में बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोग, क्योंकि 10 साल हमारे 10 वर्ष की सरकार की उपलब्धि, गरीब कल्याण की योजनाएं हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि इस बार जो झूठ बोलने का काम किया है और कांग्रेस की झूठ अब बिकेगी नहीं, काट की हांडी एक बार चढ़ती है वो चढ़ती है। ये थे मोहन बडोली, उनका कहना था कि इस बार भी तीसरी बार भी जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। देखना होगा कि 1 अक्टूबर को लोग किसके पक्ष में वोट डालते हैं और 4 जून को जब ईवीएम खोलेंगे किसकी सत्ता बनती है। हरियाणा तक के लिए घोड़ा से मैं सुरेंद्र सिंह।